यस, आपको फिर से एक बार मिलवाता हूँ लेफ्टिनेंट ऐश्वर्या ठाकुर से। एक बार पहले भी मिल चुकी है, जब ऐश्वर्या फर्स्ट टाइम आई थी तो उसने उस समय अपना ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस शेयर किया था आपके साथ। अब 10 मंथ का जॉब हो गया है और जॉब में क्या क्या एक्सपीरियंस रहे वो शेयर करेगी आपके साथ और आपके जो रिलेटेड डाउट्स हैं। और ऐश्वर्या, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इन बच्चों के साथ, ये ऐसा इनको लगता है कि केवल रिटर्न प्रिपरेशन से कुछ हो जाएगा, पर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एटीट्यूड डेवलप करना एसएसबी के लिए। उस पर ये लोग बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। और एसएसबी का मतलब प्रिपरेशन नहीं होता है, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन होता है, तो वो ऐश्वर्या आपको बताएगी। तो आप इन बच्चों के साथ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करिए और इनके डाउट भी बताइए। हाई एवरीवन, आई एम लेफ्टिनेंट ऐश्वर्या एंड आज आप लोगों को मैं अपना एसएसबी एक्सपीरियंस एज वेल एज मेरा यूनिट का एक्सपीरियंस दोनों आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। एसएसबी एक्सपीरियंस 5 डेज एक्सपीरियंस था और 5 डे इंटरव्यू। जनरली लोग एकदम प्रिपेयर होके जाते ही होके जाते हैं, बट वहाँ जाकर जो मैंने देखा है, इट रियली डजंट मैटर कि आप कोचिंग जाते हो नहीं जाते हो या आपने पहले से कितनी प्रिपरेशन करी है, इफ़ यू आर हैवंट प्रिपेयर्ड इट प्रॉपरली या ठीक से सही रास्ते पे नहीं ये किया हो, तो वहाँ जाकर लोग नर्वस हो जाते हैं, वहाँ जाकर लोगों को टेंशन आ जाता है। और ट्रस्ट मी, जो लोग बहुत नर्वसनेस से बहुत टेंशन लेकर बहुत एक्स्ट्रा प्रिपेयर करके जाते हैं उनका नहीं हो पाता है, क्योंकि पता नहीं कहीं ना कहीं वो उस नर्वसनेस में अपने एक्चुअल खुद को खो देते हैं। वहाँ यू जस्ट हैव टू बी योरसेल्फ, जैसे आप हो, जैसा आपका कैरेक्टर है, जिस तरह से आप खुद को दूसरे लोगों को, आप अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को जैसे दिखाते हो, वही चीज़ आपको वहाँ इंटरव्यूअर्स को दिखानी है, वही चीज़ आपको वहाँ इंटरव्यू में 5 डेज में वही रखना है। आपको कोई खुद से अलग से कोई दूसरी पर्सनालिटी बन के जाना ही नहीं है। इफ़ इट इज़ इन यू, इट विल रिफ्लेक्ट इन योर आइज, इट विल रिफ्लेक्ट इन योर बॉडी लैंग्वेज। तो अगर आप कुछ और बनने की कोशिश करोगे, देर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ टेस्ट दैट आर गोइंग ऑन, इंटरव्यूअर्स देख रहे हैं, आपका साइकोलॉजी चल रहा है, आपका फिजिकल चल रहा है, आपने फॉर्म्स भरे हैं, इफ़ दे डोंट मैच तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, दे विल रिजेक्ट यू इन द फर्स्ट गो। सो आप खुद बन जो हो, जैसे हो वो दिखाओ। आप जाकर वहाँ फॉर्म भरते हो, फॉर्म में जो क्वेश्चंस हैं यू जनरली ट्राई टू प्रिपेयर देम कि घर पे ही भर लेते हो, वो फॉर्म देखते हो, आप आंसर सोच लेते हो कि हाँ ये आया तो मैं ये लिख दूंगा। आप जब WATs वगैरह की प्रैक्टिस करते हो, जो वर्ड एप्रिसिएशन टेस्ट है, तो उसमें क्या करते हो आप कि आप जाकर देख लेते हो इस तरह का वर्ड आया, मैं इस तरह के सेंटेंसेस बनाऊंगा। वो पहले से जो आप मेंटालिटी लेकर चलने लगते हो, तो अगर कोई नया वर्ड आ गया, योर ब्रेन स्टॉप्स थिंकिंग। ऑब्वियसली बात है, आपने तैयारी उस तरह से नहीं की है तो आपका ब्रेन तब काम ही नहीं करेगा। तो ऐसे वक्त क्या होता है कि अगर आप खुद से चलते हो कि नहीं, फ्री फ्रैंक माइंड को लेकर अगर आप चलते हो कि हाँ मैं जाऊँगा, जो भी मेरे मन में चल रहा है, जो भी मैं मेरे मन में फर्स्ट थॉट आएगा वो लिखना है, ओपन माइंड के साथ जाते हो, तो आप आराम से हर वर्ड पे अपनी क्रिएटिविटी से लिख पाते हो। आप जाते हो, आपने कोई प्रिपेयर नहीं किया हो कि हाँ अगर किसी ने मुझे बोला कि कोई क्वेश्चन पूछा तो मैं बस वही बताऊंगा कि जो मेरे साथ एक्चुअल में हुआ है। मैं जाता हूँ, मैंने साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए तैयारी करी है, मैंने तैयार किया है कि हाँ अगर मुझे पिक्चर्स दिखाई गई, मुझे पिक्चर्स देखते से ही मुझे समझ आ जाना चाहिए कि हाँ इससे रिलेटेड मेरे मन में ये स्टोरी चल रही है। आपको 10 पिक्चर्स 11 पिक्चर्स दिखाई जाएंगी, आपके मन में जो आ रही है स्टोरी आप लिखोगे, 12th slide वुड बी द ब्लैंक स्लाइड। उस टाइम पर आप अगर स्टोरी सोच कर जाते हो, दे वुड नेवर गो इन हैंड विद द 11 स्टोरीज दैट यू हैव रिटन। तो बिल्कुल वो 11वीं स्लाइड 12वीं स्लाइड के लिए आप सोच के मत जाइए, खुद से जाइए, फ्री फ्रैंक माइंड के साथ जाइए। आप अपने आप वहाँ जाकर जो लिखोगे, जो अपने आप को दिखाओगे, यू नो जब आप अपने आप को दिखाते हैं ना, यू आर मच मोर कॉन्फिडेंट। व्हेन यू ट्राई टू बी समवन एल्स यू फील नर्वस, यू फील कि मैं ये कैसा करूँगा, बट इफ़ यू आर योरसेल्फ, जो आप बचपन से बनते आ रहे हो, जो आप बचपन से खुद को दिखा रहे हो, वही चीज़ आप अगर उन 5 डेज में दिखाते हो, यू आर नॉट एट ऑल नर्वस। सो उस चीज़ के लिए मेरे हिसाब से SSB में सबसे मेन पॉइंट है कि कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, इफ़ यू बी योरसेल्फ। तो SSB का मेन यही है कि ये 2 पॉइंट्स आप याद रखो। You go through the procedure, you take books, if you need help, you take the help from coaching, आपको professors आपके help करेंगे, सब करेंगे, but at the end, all you need is the confidence,
एंड ऑल यू रिक्वायर इज टू बी योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। एसएसबी का तो यही था, फिर उसके बाद जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में यू हैव टू लीव योर माइंड आउटसाइड। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, नहीं सोचना है। जिस मोमेंट पे आप सोचने लग जाओ, दैट इज द पॉइंट यू विल थिंक ऑफ गिविंग अप। जहाँ आपने दिमाग लगाना शुरू किया कि यार मैं तो पहले ऐसा करता था, मेरे हाथ में ये सब था, मैं गई, मैं जब ट्रेनिंग जाने से पहले एवरीवन टोल्ड मी कि यार वहाँ मेंटल प्रेशर रहेगा, वहाँ फिजिकल प्रेशर रहेगा, एंड आई वाज लाइक ठीक है हैंडल हो जाएगा। बट वहाँ जाकर समझ में आता है कि इट्स टोटली डिफरेंट। जो मेंटल प्रेशर यू गो थ्रू, आप यहाँ पर आपको आपके पेरेंट्स ने, आपके आसपास वालों ने बहुत प्यार से रखा होता है, वहाँ जाकर व्हेन द इंस्ट्रक्टर्स टेल यू कि यार ये कीचड़ गंदे पानी में रोलिंग स्टार्ट कर दो, यू हैव टू डू इट, देयर इज नो अदर चॉइस। यू स्टार्ट रोलिंग इन द वॉटर जहाँ पे फ्रॉग्स चल रहे हैं, जहाँ कीड़े जो तुमने देखे ही नहीं हो लाइफ में, वो सब उसमें है, यू स्टार्ट डूइंग इट। एंड ट्रस्ट में जब आपके साथ आपके कोर्समेट्स रहते हैं, दे आर लाइक योर ब्रदर्स इन आर्म्स, दे आर योर लाइफ देयर। तो जब वो लोग कर रहे होते हैं, यू थिंक यार ये कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। जब व्हेन यू गो फॉर 40 km रूट मार्चेस, रात रात भर चल रहे हो आप 20 kg लोड लेकर, वो राइफल लेकर, दैट टाइम आपके दिमाग में क्या ही होता है कि हाँ आप जितने लोग चल रहे हो सब एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए लेके चलते हो। आपको दर्द हो रहा है तो उतना ही दर्द साथ वाले को भी हो रहा है, कोई इंजर्ड इंसान है तो उसकी भी लोग हेल्प करते हुए चलते हैं। इतना मुश्किल रहता है बट स्टिल देर आर पीपल हु कैरी अपने साथ वाले का लोड, ताकि इफ़ ही इज इंजर्ड ही शुडंट गेट मोर इंजर्ड, बिकॉज यू नो कि अगर उस इंसान को परमानेंट इंजरी होगी, ही वॉन्ट बी एबल टू गो अहेड, ही हैव टू लीव दिस ट्रेनिंग देन एंड देयर। सो यू टेंड टू हेल्प देम आउट, यू टेंड टू थिंक अबाउट अदर्स ओवर योर सेल्फ। ये सब चीज़ें जो ट्रेनिंग में आप सीखते हो, ये चीज़ें मे बी सिविल लाइफ में कोई और चीज़ सिखाती नहीं है। जो चीज़ आपको वहाँ मिल जाती है, यू गेट अमेजिंग फूड, बट फॉर द जस्ट टू ईट दैट फूड यू डोंट गेट इनफ टाइम, तो यू लर्न टू कंज्यूम दैट फूड इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। 2 मिनट है, यू हैव टू कम्प्लीट योर ब्रेकफास्ट इन दैट 2 मिनट्स, मीन्स 2 मिनट्स इट्स 120 सेकेंड्स। इफ आई कोई भी एक इंसान आइदर ऑफ यू थिंक्स कि ठीक है मैं थोड़ा सा और रुक कर एक ब्रेड स्लाइस और खा लेता हूँ, आपके साथ के 40 के 40 कोर्समेट्स रोलिंग कर रहे होंगे बिकॉज यू आर ईटिंग दैट वन स्लाइस ऑफ ब्रेड मोर। तो ये सब चीज़ें जब आप वहाँ जाकर सीखने लगते हो, यू स्टार्ट टू डू थिंग्स दैट यू हैव नेवर थॉट यू विल एवर डू इन योर लाइफ। यू थिंक कि मे बी आप किसी को देखते हो कि आपकी बॉडी में इतनी ताकत है या नहीं। व्हेन यू सी पीपल क्लाइंबिंग रोप्स, मे बी यू आर अनएबल टू क्लाइंब अ रोप, यू माइट थिंक कि मुझसे होगा नहीं होगा, या यू थिंक यार पीपल हाउ कैन यू जस्ट रन फॉर 40 किलोमीटर्स। बट ट्रस्ट मी इट्स ऑल इन योर हेड। जिस टाइम पे आप सोचते हो कि नहीं यार करना है तो करना है, सोचना ही नहीं है, यू रीच दैट फिनिश पॉइंट, यू कंप्लीट दैट 40 km, यू नेविगेट, इट माइट गेट अप टू 60। नेविगेट करते हुए गलत रास्ता चुन देना, भटक जाना, जंगल में खो जाना, गांव में खो जाना, सब कुछ होगा, बट एट द एंड यू विल रीच दैट फिनिश पॉइंट। एंड व्हेन यू रीच दैट फिनिश पॉइंट, यू रियलाइज दैट यू आर मच स्ट्रॉन्गर देन यू एक्चुअली थॉट यू वर, and you see the smile on the face not only of yourself but of all the 40 course mates that are there, of all the 40 people of your company, you have worked hard to make your company win. Wo feeling jo aati hai na, wo feeling aapko kahin aur se milti nahi hai, that's the best thing. And then civil life mein jaise hum dekhte hain ki hum log kaam karte karte hum mote hote ja rahe hain, well trust me na, hame koi aapko mota nahi hone dega, you want it or you don't want it, you can't get fat. वहाँ आपको डांट डांट कर करा करा कर आपको फिट रखेंगे। व्हेन आई वाज इन यूनिट, मेरे यूनिट में सीओ ने एक ही चीज़ बोली थी, यू ईट व्हाटएवर यू वांट, यू एंजॉय एज मच एज यू वांट, यू वर्क हार्ड, बट यू कांट गो एंड लीव इफ़ यू आर ओवरवेट। जो वेट की कैटेगरी है उस वेट की कैटेगरी में रहना ही है, इफ़ यू आर अबव दैट तो फिर आपको उस कैंट से बाहर नहीं जाने मिलेगा और आपको ना ही लीव पे जाने मिलेगा। सो ट्रस्ट मी, हमारे यूनिट के सारे ऑफिसर्स ने इतना दम लगाया है, सारे जवानों ने इतना दम लगाया है कि एवरीवन इज अंडर द वेट कैटेगरी बिकॉज एवरीवन वांट्स टू गो होम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इट इज काइंड ऑफ द फिटेस्ट यूनिट इन दैट कैंट, दैट इज व्हाट आई फील। मैंने बाकी अपना एकेडमी का एक्सपीरियंस पहले शेयर कर चुका है, सो आई वुड बेटर गो टू,
ओके एकेडमी में काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई थी. एकेडमी में लाइक रोप क्लाइंबिंग सिखाई थी. एकेडमी में 10 मीटर जंप था. 10 मीटर जंप हो गई, डिच हो गई, ये सब जो थे जंप एंड डिच, ये सब आपके मेंटल ब्लॉकेज हटाने के लिए रहते हैं. बिकॉज देर आर पीपल हु आर अफ्रेड ऑफ हाइट्स. जब आप देख रहे हो कि पीपल आर जंपिंग फ्रॉम 10 मीटर्स बट दे आर नॉट गेटिंग इंजर्ड, बट स्टिल यू हैव द फियर ऑफ हाइट्स, यू गो स्टैंड देयर बट यू आर अनेबल टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड बिकॉज कोई सेफ्टी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, आपको खुद से एक कदम लेना है. नो वन इज गोइंग टू पुश यू. वो चीज़ जो आपका मेंटल ब्लॉकेज हटाने के लिए है कि आपको बस वो 2 सेकेंड की हिम्मत दिखानी है एंड यू गेट इट क्लियर. तो वो चीज़ें भी उन्होंने रेलिगेटरी रखी है. मतलब इफ़ यू आर अनेबल टू डू इट देन यू विल हैव टू स्टे देयर फॉर 6 more months. एंड ट्रस्ट मी, इवन अ सिंगल डे इज नॉट वर्थ इन अकेडमी इफ़ यू हैव टू कट इट एक्स्ट्रा. बिकॉज जिस तरह से वहाँ ट्रेनिंग चलती रहती है, यू रियली डोंट वॉन्ट टू स्टे देयर फॉर अ सिंगल मोर डे. बहुत टफ रहता है, यू डोंट गेट टू स्लीप. आप आते हो रात को डिनर करके, तो डिनर करके कोई सोने नहीं देता है. आपकी ट्रेनिंग चल रही है, दे विल रोजर यू टिल 2 एंड देन एट 4 o'clock यू हैव टू गेट अप बिकॉज 5 बजे पीटी के लिए पहुंचना है. तो 4 बजे रेडी होकर पीटी वगैरह के लिए पहुंचना, फॉल इन करके. व्हेन यू आर इन द जूनियर टर्म, सीनियर्स वॉन्ट लेट यू स्लीप एट ऑल. आपको कभी कभार पूरी पूरी रात जगाए रखेंगे. बट क्या होता है, आप जगते हो, आप कितना भी क्रिप करो, द नेक्स्ट मॉर्निंग यू आर रेडी, यू गो फॉर पीटी, यू डू एवरीथिंग एंड वंस यू आर फिनिश्ड विद द ट्रेनिंग यू एक्चुअली फील गुड कि यार मैं आई वॉज द पर्सन हु डिड ऑल दिस. यू टेल योर फ्रेंड्स व्हेन यू कम होम फॉर द फर्स्ट टाइम. आप पहली बार घर आते हो एंड यू आर इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स. इवन आई डिड द सेम. मैं आई घर पे, आई डिडंट पुट माय लगेज इनसाइड माय हाउस. मैंने लगेज बाहर रखा एंड सेड, मैं ना आपको पहले दिखाती हूँ कि हम रोलिंग कैसे करते हैं. मैं आई एंड आई रोल्ड इन माय वरांडा कि देखो हमें रोलिंग सिखाई, फिर हमें क्रैब वॉक सिखाए, क्रैब वॉक कैसा होता है. एंड आई स्टार्टेड शोइंग देम ऑल द मंकी टाइप की चीज़ें, ऐसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. तो व्हेन यू लीव दैट वर्ल्ड एंड यू कम टू द सिविल वर्ल्ड, यू स्टार्ट फ्लॉन्टिंग योर सेल्फ कि हमें ये सिखाई, नई नई चीज़ सिखाई. एंड पीपल एक्चुअली एडमायर बिकॉज नहीं होता ये सब. बाकी जो लोग देखते हैं, when people see you they start admiring you and that feels really great ki because when they admire you your parents feel proud and usse zyada kya chahiye aapko. if your parents are proud of yourself to bahut acha lagta hai. the same thing I felt when it was passing out parade. to jab passing out parade mein there is an antim pug, when you cross that you tend to realize ki ha chalo ab meri training khatam hui hai, ab finally I'll be an officer. सो वो ख़त्म करना, वो खुशी अलग रहती है. द मोमेंट यू क्रॉस यू सी दैट योर पेरेंट्स आर स्टैंडिंग देयर एंड दे आर स्माइलिंग, दे हैव टीयर्स इन देयर आईज एंड दे आर फीलिंग मच मोर प्राउड देन यू योर सेल्फ आर फीलिंग. दे आर हैप्पी, दे हग यू, देयर आर पेरेंट्स क्राइंग ऑल ओवर. मतलब यू सी दैट एनवायरमेंट एंड यू फील कि यार आई लिव्ड फॉर दिस मोमेंट. द होल लाइफ आई वॉज वेटिंग टू सी दिस हैपन एंड फाइनली आई हैव अचीव्ड इट. वो चीज़ अचीव करने के बाद यू रियलाइज कि अब लाइफ में कुछ भी हो जाए, आई वॉन्ट लेट दिस स्माइल फेड अवे फ्रॉम माई लाइफ. यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स टू मेक देम हैप्पी. तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है. देर इज पिपिंग सेरेमनी हुए, आपके शोल्डर पे जो स्टार्स लगे होते हैं उस पर फ्लैप्स लगे होते हैं. सो योर पेरेंट्स कम एंड रिमूव दोस फ्लैप्स एंड देन यू टर्न इनटू अ लेफ्टिनेंट, देन यू टर्न इनटू एन ऑफिसर. तो वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है. मतलब there are thousands of things that you realize ki aap ye cheez agar nahi karte maybe you would have made them proud anyway but ye cheez karne se you have made them too happy. when you step out in the civil world everyone is admiring you. you have like ek badge milta hai meri santan desh ko samarpit, wo badge bhi when you give to your parents you feel so happy ki matlab they are happy to wear it ki kuch bahut acha kiya hai jaise. सो दैट वॉज वॉट एक्चुअली हैपन थ्रू द ट्रेनिंग कि आपने बहुत चीज़ें, यू गेट टू लर्न हॉर्स राइडिंग, यू गेट टू लर्न बोटिंग, देर आर मैनी थिंग्स यू गेट टू लर्न दैट यू हैवंट डन इन डन हियर एवर. सो हॉर्स राइडिंग भी ऐसे नहीं कि बस ऐसे बैठा कर घुमा दिया. दे प्रॉपरली टीच यू हाउ टू मेक देम वॉक, दे प्रॉपरली टीच यू हाउ टू मेक देम ट्रॉट. मतलब पूरा अच्छे से
मतलब बेसिक लेवल पूरा क्लियर कर देते हैं. बोटिंग का वहाँ क्लब है, दे टीच यू कि बोटिंग में भी किस तरह से पूरा सेलिंग करना, पूरे बोट को चलाना. दे गिव इट ऑल टू यू कि हाँ तुम लोग करो, लर्न इट. और अच्छा लगता है, मतलब वहाँ चीज़ें रहती है दैट यू स्टार्ट टू एन्जॉय. OTA बॉल रहते हैं, देर आर थिंग्स दैट यू लुक फॉरवर्ड टू एज यू कम्प्लीट वन स्टेप ऑफ द ट्रेनिंग. तो ट्रेनिंग इज अ टाइम दैट इज हार्ड, दैट इज टफ, बट द मोस्ट एन्जॉयबल पीरियड ऑफ योर टाइम, बिकॉज देर आर 40 ऑफ योर कोर्स बट 40 ऑफ योर कंपनी पीपल दैट आर फेसिंग द सेम थिंग, गोइंग थ्रू द सेम थिंग, एंड दे आर एन्जॉइंग इट विथ यू. तो आई थिंक कि अगर अकेडमी आप लोग जाते हो एंड वेन यू विल एक्चुअली गो थ्रू दीज फेजेस ना, प्लीज डोंट लुक बैक, प्लीज डोंट थिंक दैट इफ यू वेर इन द सिविल लाइफ वॉट वुड हैव हैपेंड. थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, डेफिनेटली दे वुड हैव बीन डिफरेंट, बट दे वुडंट हैव गिवन यू द सैटिस्फैक्शन विच यू विल गेट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ट्रेनिंग. फिर वेन आई वेंट टू द यूनिट, यूनिट का एक्सपीरियंस जो मेरा था उसमें ऐसा था कि आई वॉज़ हैप्पी कि मैं जा रही हूँ यूनिट. एंड ओवर स्टडी का एक कंसेप्ट होता है इन अकेडमी कि जो आपके सीनियर्स रहते हैं, हर सीनियर को एक एक जूनियर अलॉट होता है जिसको उसको मेंटर करना होता है. तो लकीली माई सीनियर वॉज पोस्टेड इन द सेम यूनिट एज वॉज आई, सो शी वॉज ऑलरेडी देयर. उनसे पूछ पूछ के आई केम टू नो दैट माई यूनिट इज़ वेरी गुड. माई CO, माई 2 IC, आई मीन ऑल द ऑफिसर्स इन माई यूनिट आर वेरी गुड. तो आई वॉज हैप्पी कि चलो एटलीस्ट अच्छी यूनिट मिली है, आई गो देयर. सो आई गो देयर एंड एक व्हीकल आती है एयरपोर्ट पे पिक करने, आई गो सिट इन दैट व्हीकल. व्हेन आई रीच द कैंट दे आस्क फॉर माय आईडी कार्ड. एंड आप लोगों को पता होगा आर्मी का जो हमारा आईडी कार्ड रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वी शुड नेवर एवर लूज दैट आईडी कार्ड. तो वो आईडी कार्ड दे आस्क के हमें दिखाना है. तो आई टेल देम कि मैं आपके साथ चलूँगी बट आई वोंट गिव यू द आईडी कार्ड. तो वो कहते कि नहीं CO ने मांगा है. मैंने कहा CO ने मांगा हो तो मैं खुद CO के पास जाकर दिखा दूँगी, बट आई वोंट गिव इट. सो दे स्नैच्ड माय बैग फ्रॉम मी, दे टाइड माय हैंड्स, दे पुट अ कवर ऑन माय हेड एंड दे किडनैप्ड मी. दे किडनैप्ड मी वहीं पर गाड़ी से किडनैप कर लिया. नाउ आई डिडंट नो हु दीज पीपल वेयर, दे वर ऑल इन सिविल ड्रेसेस. आई डोंट नो किसके साथ मैं बैठी हूँ, कौन है. उन्होंने बताया था मुझे गाड़ी का नंबर मैसेज कर दिया था, तो मैं वो गाड़ी का नंबर मैसेज करके मैं उस गाड़ी में बैठ के आ गई थी. अब मुझे अचानक से इन लोगों ने कपड़ा वपड़ा बांध दिया और किडनैप कर लिया. बीच रास्ते में रोका, मुझे बाहर निकाला और मुझे बोला कि नील डाउन हो जाओ. मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी. तो कहा कि नहीं नील डाउन हो जाओ वरना मैं बंदूक मारूंगा. मैंने कहा जो कहना मैं नील डाउन नहीं हो रही. तो उन्होंने मेरे दोनों पैर ऐसे हवा में उठा दिए और फिर उसके बाद मुझे नील डाउन ज़बरदस्ती करा दिया. और फिर उसके बाद बोला कौन सी यूनिट के मैं आई हूँ. सो आई सेड कि आई एम नॉट सपोज टू टेल यू माय यूनिट. जैसे अभी आप लोगों ने न्यूज़ रिसेंटली देखा होगा, तो उस तरह का उस टाइम पे इट वाज इन सितंबर अक्टूबर. सो आई सेड सेइंग कि आई एम नॉट सपोज टू टेल यू माय यूनिट. तो कहा कि बंदूक रख दी मेरे सर पे और कहा कि हम गोली मार देंगे अगर आपने नहीं बताया. तो कहा आपको जो करना मार डालो मुझको, बट मैं नहीं बताऊंगी अपनी यूनिट. बड़े जोश जोश में बोल रही थी. फाइनली मुझे वापस अंदर डाल दिया. एंड देन देयर इज अ क्वार्टर गार्ड. क्वार्टर गार्ड इज़ अ प्लेस जहाँ पर मतलब ऐसे अगर कुछ किसी ने गलत काम किया तो उसको बंद करके रखते हैं. देयर इज़ अ ट्रेजरी चेस्ट वगैरह, मतलब एक तरह का ये रहता है. तो उस क्वार्टर गार्ड में दे केप्ट मी इनसाइड दैट, वो जो सेल रहता है जेल टाइप का जो रहता है, दे केप्ट मी इनसाइड. तो मैंने कहा कि ठीक है मैं वहाँ गई. मुझसे दो तीन क्वेश्चन, पहले तो मुझे आंखें बंद करके ही मुझे वैसे ही रखा था. एंड दे वर कमिंग एंड इंटरोगेटिंग मी कि क्या मैंने गाड़ी का नंबर, लकीली मुझे याद था. तो उन्होंने कहा कि कौन सी गाड़ी से है, तो मैंने उनको गाड़ी का नंबर बता दिया. तो दो तीन चीज़ें बताई, दो तीन चीज़ें मुझे पता नहीं थी. आईडी कार्ड कहाँ है, मैंने कहा वो तो छीन के ले गए मेरा. बैग्स वो भी नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है मेरे पास रखा उन्होंने. अब मुझे लगा कि ठीक है मजाक चल रहा है, इट वुड गो ऑन फॉर 1 आवर 2 आवर, कितना टाइम चल सकता है, दे विल लीव मी. शाम की रात हो गई, मैं वेट कर रही हूँ, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा. फिर मुझे मेरे आँख की पट्टी वट्टी हटाई और मुझे खाना खाने के लिए दिया वहीं पर. फिर मैं खाना खा रही हूँ. अब मैं सोच रही हूँ कि मैं पूछूँ भी तो किससे पूछूँ. जो इंसान है वो उसको मैं जानती नहीं हूँ, वो मुझे कुछ बता नहीं रहा है. आई हैड माई फूड. फिर बोलता है मैडम आपको कुछ तकिया वगैरह चाहिए क्या, नहीं तो आपको. मैंने कहा कि नहीं ठीक है, आई एम ओके. तो फिर मैं वैसे ही वहीं पर सो गई. नेक्स्ट मॉर्निंग फिर मैं पता नहीं, इट वॉज लाइक जनरली लोगों को डर लगता है और मुझे भी लगना चाहिए था,
बट आई डोंट नो मे बी आई वॉज वे टू टायर्ड. जब तक उस इंसान ने आकर मुझे उठाया नहीं, आई वॉज स्लीपिंग इन द सेल लाइक एनीथिंग. मैं सो गई. फिर सुबह मुझे उठाया, मुझे बताया गया कि मैडम वो हो गया आपका खत्म. रूम पे जा, फिर वो बताया रूम कहाँ है. आई वेंट वहाँ से, फिर मेरा शुरू हुआ. आई चेंज, आई केम फॉर द मार्कर. और फिर वहाँ पर फिर मैं सीनियर्स वगैरह से मिली. देन द सीनियर्स स्टार्टेड टू टीच मी द वे दे टीच. दे स्ट्रिक्ट काफ़ी रहते हैं, डिसिप्लिन काफ़ी रहते हैं. सो दे स्टार्टेड टू टीच मी कि किस तरह से यू हैव टू बिहेव हियर. काफ़ी सारी चीज़ें अकेडमी में सिखाते हैं, मतलब अकेडमी वाला जो फेज रहता है, इट्स लाइक यू आर, जैसे हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना कि खाना कैसे है, कपड़े पहनने कैसे है, लोगों से बातचीत कैसे करनी है, क्या लैंग्वेज यूज़ करनी है. तो वो सारी चीज़ें जो थी, वो सारी चीज़ें अकेडमी में सिखाई थी एज अ बच्चा करके, जैसे भेजा था कि हाँ ये सब सिखा दिया, हम सीख के आ गए. फिर उसके बाद यूनिट में आते से ही दे स्टार्टेड टीचिंग में कि हाँ यहाँ पर क्या रूल्स है, यहाँ किस तरह से आपको रहना है, मार्कर में मार्कर लगता है तो मार्कर इज काइंड ऑफ रिपोर्टिंग. तो मार्कर में हाउ डू यू स्टैंड, वेयर डू यू स्टैंड, व्हाट डू यू डू, व्हेन टू सल्यूट, सब कुछ सिखाना शुरू किया उन्होंने. फिर उसके बाद एडम ड्यूटीज़ क्या क्या होती है. तो पहले जो बेसिक 2 months थे मेरे वहाँ पे, आई वॉज लर्निंग वॉट ईच पर्सन इज़ डूइंग देयर. आई वॉज ट्राइंग टू लर्न जितना हो सकता था. आई वॉज ट्राइंग टू ग्रास्प एज मच एज पॉसिबल. मेरे यूनिट के ऑफिसर्स वेर रियली गुड. दे वेर हेल्पिंग मी आउट. दे यूज टू स्कोल्ड मी व्हेन आई डिड मिस्टेक्स. दे यूज टू गिव मी पनिशमेंट्स. बट दैट वॉज अ पार्ट ऑफ माई लर्निंग. आई वॉज वेरी मच अफ्रेड ऑफ माई 2IC बिकॉज ही एक्चुअली यूज टू सेंड मी ऑन रन. ही यूज टू सेंड मी ऑन फिजिकल रगड़ा मच मोर एज कम्पेयर टू मेंटल. सो आई वॉज स्केयर्ड ऑफ हिम मच मोर. बट बाकी जो थे, आर CO वॉज वेरी वेरी गुड. और मेन चीज CO की जो थी, वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर. तो ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट डे वी यूज टू गो फॉर पार्टी. मतलब यूज टू गो मतलब हम लोग अपने मेस में ही पार्टी कर लेते, या किसी के घर पर पार्टी कर ली, कहीं ना कहीं पार्टी कर ली. एंड पार्टीज कैसे था, दे नेवर फिनिश्ड ऑफ बिफोर 2. रात को पार्टी शुरू हुई, जल्दी ख़त्म करने तो भी 2 बजे तक चली रही है पार्टी. एंड इट यूज़ टू बी फन. बहुत डांस होता था, बहुत मस्ती मजाक सब होता था. एंड देन इन द मॉर्निंग 5:45 PT. तो ये सब चलता रहा. ये सब से 2 months मेरा यही कंटिन्यूस रूटीन था. मॉर्निंग PT, देन ऑफिस आवर्स, देन गेम्स होते थे, फुटबॉल वॉलीबॉल. तो हमें जो अलग अलग चीज़ें रहती थी, हमारा जो रूटीन रहता था, उस रूटीन में हमारा मेनली यही रहता था. सुबह मॉर्निंग PT हो जाती थी 5:45 से 1 घंटा PT. देन 8:30 से ऑफिस आवर्स रहते थे हमारे. ऑफिस आवर्स के बाद लंच टाइम होता था. लंच टाइम के बाद थोड़ा सा टाइम मिलता था हमें रेस्ट फॉर आवरसेल्व्स. देन वी यूज टू हैव गेम्स. गेम्स में ट्रूप्स के साथ हम गेम्स खेलते थे, जो हमारे जवान रहते थे. तो हम लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, अलग अलग गेम्स हो रहे हैं. एंड दैट्स व्हेन वी यूज्ड टू इंटरेक्ट विद आवर ट्रूप्स फ्रैंकली एंड फ्रीली. बिकॉज ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स यू डू मेंटेन दैट जूनियर सीनियर वाली थिंग. सो ड्यूरिंग गेम्स यू यूज्ड टू प्ले लाइक यू आर बडीज. साथ में खेल रहे हैं, साथ में एंजॉय कर रहे हैं. एंड देन आफ्टर गेम्स इट वॉज अप टू यू कि अगर आपका काम बचा है, देन ऑफिसर्स यूज टू गो, यूज टू डू द वर्क. During Saturdays we used to get our half day, Sunday was off. So पूरा एक routine बना रहता था. मंदिर parade होती थी, जब सब लोग जाकर मंदिर में बैठते थे और ये भजन होते थे, वहाँ आरती होती थी. And everyone from the junior most officer till CO, everyone have to attend that parade. और मंदिर parade के अलावा और भी चीज़ें होती थी, जैसे CO के जो ये होते थे, मतलब CO बैठते थे एंड ही यूज़ टू आस्क एवरीवन इन द यूनिट अगर कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है. उसको दरबार बोलते थे. तो इंटरेक्शन, हर किसी से इंटरेक्शन रखना, हर किसी से किस तरह से, मतलब यू गेट टू नो कि हाउ टू इंटरेक्ट विथ योर जूनियर. वहाँ एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे फॉर मी मोस्टली आई यूज टू बी द यंगेस्ट पर्सन. और मेरे जितने भी जूनियर्स थे, एज वाइज देखा जाए, एवरीवन वॉज elder to me. But because they were my juniors, they had to give me the amount of respect. Similarly, if I was a junior, I have to be that much respectful to my seniors. That was required. No matter jaise bhi seniors kitne bhi friendly ho jaye, I learned that ki agar senior aapse bahut friendly ho,
that doesn't mean that you have to be friendly with them. That means ki he is being nice to you. You have to give them the respect that he deserves. You have to stay like a junior to him. Or unit ke officers, well, jab aap ek se dusri unit jaate ho, aap dekhte ho, to it mostly depends from unit to unit ki wahan ke officer lot kaisa hai. Jis tarah se CO unit ko rakhta hai. If CO keeps his unit happy, then all unit officers are happy. If all unit officers are happy, all the jawans are happy. That's how it goes. So our CO was really very, very good. He used to look for betterment of the jawans a lot. Unhone bahut sare changes karaye the. To is tarah se matlab aap realize karte ho that if ever if you go in this field or any other field, I would recommend ki agar aap senior ho, just be good to your juniors. Trust me, aap khud to khush rahoge hi rahoge. Aap aapke saath wala pura work environment khush rakhoge. Then after those 2 months, I was sent to forward areas. Forward areas se main dheere dheere karke China border tak gayi thi. It was a completely new experience. Maine trekking ki, main pahad ke upar tak gayi, sab cheeze dekhi, and I realized ki kahin na kahin hum log thoda piche reh gaye hain. China mein like they have got till the borders, they have got roads like highways, while hamara jo hai hamara border tak ke jane ke hi raste bahut kharab hain, jo ki abhi shuruaat ho gayi hai. Kafi had tak hamare government ne kafi sare steps liye hain jo acha kare ja rahe, but obviously baat hai ekdam ek jhatke mein to sab sahi nahi ho jata. To cheeze sudhar rahi hai at a slow pace, but they are improving. बट अभी जो कंडीशन है, लाइक हमारे जो पोस्ट पे जाने का था, जो माउंटेन की पोस्ट है, वहाँ पर तो गाड़ियाँ चढ़ ही नहीं सकती जो माउंटेन पे मैंने क्लाइम किया है. तो वहाँ जब कोई भारी सामान वगैरह लेके जाना होता है, तो जो खच्चर होता है ना, म्यूल्स, दे यूज देम, म्यूल्स को वो उस रास्ते पर से लेके जाते हैं. एंड इट टेक्स अबाउट 1 hour टू रीच वन पोस्ट, एंड फ्रॉम दैट पोस्ट टू अदर पोस्ट इट टेक्स अनदर आवर. सो 2 hours जस्ट टू ब्रिंग योर वाटर, योर फूड फ्रॉम डाउन टू अप. तो ऐसे डिफिकल्टीज में देर आर पीपल लिविंग देर, पीपल हु आर गोइंग अप एंड डाउन डेली जस्ट टू गेट फूड एंड वाटर. तो तब जाकर मैंने रियलाइज़ किया कि मे बी हम लोग जहाँ रह रहे हैं, जहाँ मेरी यूनिट थी, वहाँ से हम लोग ये चीज़ की रिपोर्ट बस ले रहे हैं. बट व्हेन आई वेंट एक्चुअली ऑन ग्राउंड देयर, व्हेन आई एक्चुअली सॉ द कंडीशंस दे आर लिविंग इन, एक्चुअली हम जो वो बोलते हैं ना कि हाँ आर्मी वाले मेहनत कर रहे हैं, तो आर्मी वाले जो वहाँ बैठ कर, जो वहाँ ऐसी टफ सिचुएशंस में, टफ कंडीशंस में बैठ रहे हैं, जहाँ बर्फ़ गिर रही है, जहाँ पर मौसम ठीक नहीं है, फिर भी उनको ये सब करना पड़ रहा है, वो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है. और वो चीज़ हम लोग देखते हैं, वो चीज़ हम टीवी पे देख लेते हैं, हम नहीं समझ पाते जब तक हम खुद वहाँ जाकर नहीं आते. मैं सिर्फ एक ही बार गई थी उस पॉइंट पर, जहाँ वो भी वो 1 hour चढ़ने वाला, 2 hours चढ़ने वाले पे तो मैं गई भी नहीं, 1 hour चढ़ने वाले पे मैं गई थी. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि इट्स नॉट इवन वर्थ इट कि आप इतनी मेहनत करके, मैं नॉर्मल गई थी विदाउट एनी लोड, विदाउट एनी थिंग विथ मी, मैं बस वहाँ ऊपर तक गई थी. एंड आई वॉज टायर्ड कि इतना टाइम लग गया ऊपर तक पहुँचने में. फ्रॉम देयर दे आर सिटिंग देयर, क्यों? ताकि वो ट्रैक रख सके कि हाँ वहाँ PLA मूवमेंट, जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, उसका मूवमेंट है क्या वहाँ से. ऐसा तो नहीं कि कोई घुसपैठिया आ गया वहाँ से. सिर्फ नज़र रखने के लिए वो इतने ऊपर जाकर बैठे हुए हैं, और इतने टफ कंडीशन में दे आर सर्वाइविंग, एंड दे आर सर्वाइविंग हैप्पीली. आई स्पोक विद देम, वो बहुत खुशी से हर चीज़ बताते हैं कि अरे यहाँ से आकर मैडम, आप यहाँ से आकर देखो, यहाँ से अच्छा व्यू दिख रहा है. और फिर वो मुझे अपने अपने एक्सपीरियंस बताते रहते हैं कि मैडम ये हुआ था. आई मेट पीपल जहाँ LRP होती है, लॉन्ग रेंज पेट्रोल होती है. तो लॉन्ग रेंज पेट्रोल में क्या होता है, मिनिमम 19 डेज़ की होती है, वो बस पेपर पे लिखा होता है कि इतने डेज़ की होगी. इट डिपेंड्स, अगर वेदर कंडीशंस ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, देन यू आर अनेबल टू कम बैक, यू कांट कम बैक, क्योंकि रहता ही नहीं, रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है. तो उसमें आप पूरा, आपका पूरा सामान, आपके कपड़े, आपको जो चीज़ें खाने पीने की जो चीज़ें लगेंगी, आप सब लेके जाते हो, आपके साथ रेडियो सेट वगैरह सब रहता है. एंड यू स्टार्ट वॉकिंग, आप कुछ लोग रहते हो, आप चलना शुरू करते हो अलग अलग ट्रैक पे. एंड दोज ट्रैक्स आर नॉट लाइक नॉर्मल चलने वाले ट्रैक्स, यू मेक पाथ फॉर योर सेल्फ. रिवर आ गई, देन यू कॉन्ट से कि रिवर आ गई सो वी चेंज आर ट्रैक. रिवर आ गई, देन यू विल फाइंड अ ट्री, यू विल ब्रेक इट डाउन, यू विल मेक द लॉग फॉल अक्रॉस, एंड देन यू विल बैलेंस योर सेल्फ. रिवर का फ्लो कितना भी तेज हो, यू हैव टू कीप अ चेक कि ठीक है, आपको आपकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आपको आगे जाना है. देर आर लीचेस जो आपका ब्लड सक करती है, वो चिपक जाती है.
एलआरपी बहुत टफ रहता है, बट आई हैव सीन पीपल दैट दे यूज, मतलब आई स्पोक विथ वन ऑफ द पर्सन कि जो बहुत एक्साइटेड है कि मैम मुझे तो एलआरपी बहुत पसंद है, एलआरपी बहुत एक्साइटिंग होती है, बहुत एडवेंचरस होती है, मतलब एलआरपी में दे एक्चुअली टेक योर लाइफ आउट ऑफ यू, आप इतना सारा लोड लेकर आप 19 डेज तक चले जा रहे हो। एलआरपी का मेन ये रहता है कि आप आपकी जो बॉर्डर एरिया है उस पर आप जाकर आपका ये कुछ ना कुछ आइटम छोड़ाओगे या अपना एग्जिस्टेंस दिखाओगे कि दिस इज़ आर एरिया, मेन एलआरपी का ये रहता है। और ये चेक रखना कि कोई दूसरा इंसान आ तो नहीं रहा है, उनका कोई आइटम तो नहीं दिख रहा है, कि हम अगर हमारा एरिया है तो हमारे एरिया में कोई दूसरी कंट्री नहीं आनी चाहिए, दूसरी कंट्री का बंदा नहीं आना चाहिए। तो वो चेक रखने के लिए दे दीज पीपल कीप वॉकिंग एंड समटाइम्स वेदर कंडीशंस बिकम सो हार्श कि चल के वापस आना पॉसिबल नहीं होता, हम वेट करें एंड फाइनली वी हैव टू सेंड हेप्टर्स टू इवैक्यूएट देम फ्रॉम दोज प्लेसेस, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं रहता, और कोई रास्ता ही नहीं रहता वापस आने का। सो आई वेंट देयर, आई सॉ ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग, आई सॉ हाउ पीपल आर स्टेइंग देयर, हाउ पीपल आर गोइंग थ्रू ऑल दीज फेसेस। वहाँ आगे जाकर चीज़ें सुंदर बहुत है, बहुत ब्यूटीफुल है। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है तो उसकी जो ट्रिब्यूटरी है लोहित, दैट्स फ्रॉम देयर। सो इन द मॉर्निंग आई यूज टू टेक अ बुक एंड आई यूज टू गो एंड सेट देयर बिकॉज बहुत अच्छा लगता है, कूल एयर चल रही है, यू आर सिटिंग बाय द रिवर, वो पानी चला जा रहा है, वो आवाज़ हो रही है, यू आर रीडिंग अ बुक, इट्स लाइक अ फेरी टेल। कि आप जब सोचते हो ना कि आप कोई अच्छी सी चीज़, मतलब आप एक वेकेशन आप जो प्लान करते हो कि ऐसे शांत जगह जाना चाहिए, दैट वॉज व्हाट आई एक्सपीरियंस बीइंग देयर। ये चीज़ें जो मैं सुबह का टाइम निकाल लिया, मैं चली गई और ये सब चीज़ें देख के आती थी, दैट यूज़ टू सूथ मी डाउन कि यार जगह बहुत सुंदर है, चीज़ें बहुत अच्छी है, बट जस्ट टू मेक लाइफ पॉसिबल देयर उसके लिए जो एफर्ट्स डालने हैं दे आर रियली रियली पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। फिर मैं लाइन पार्टी के साथ जाती थी, लाइन पार्टी का काम ये होता था कि उनको कम्युनिकेशन मेंटेन करना होता था। आगे वहाँ पर एयरटेल का टावर नहीं है, बीएसएनएल का टावर नहीं है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन इतनी कम है दैट दे वॉन्ट रिस्क पुटिंग अ टावर फॉर दिस लिटिल पॉपुलेशन। तो वहाँ पर हम लोगों ने अपनी खुद की आर्मी ओएफसी बिछाई है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिससे हम कम्युनिकेट कर सके आगे तक, हमारे जो आखिरी चाइना बॉर्डर तक की जो पोस्ट है वहाँ तक कम्युनिकेशन पॉसिबल करने के लिए हमने ओएफसी बिछाई। और उससे उसको लेकिन हमें मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि कभी किसी रीज़न से वो ब्रेक होती ही रहती है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वालों ने ज़मीन के अंदर से कुछ किया, हमारी ओएफसी टूट गई, ओवरहेड केबल जा रही है, उन्होंने कुछ पेड़ की कटाई छटाई करी या पेड़ की डाली भी गिरी और उससे वो झुक गई, फिर कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो रोज़ लाइन पार्टीज निकलती है और ढाई टन में निकलती है, ढाई टन इज़ लाइक द अनकम्फर्टेबल व्हीकल, बड़ी सी रहती है और मतलब टू गो इन अ डेली इज़ अ कम्प्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस। लोगों की कमर की बैंड बच जाएगी अगर हम रोज़ उसमें बैठ के ट्रैवल करें, और वहाँ का रास्ता भी ठीक नहीं है, तो वो उसमें जाकर रोज़ ये लोग लाइन मेंटेन करना, रोज़ आकर रिपोर्ट देना कि यहाँ पर ब्रेक था, यहाँ ठीक कर लिया है, न्यू इक्विपमेंट्स लाना, हर चीज़ के मतलब जवानों को, वैसे देखा जाए तो ऑफिसर्स को ऑन ग्राउंड उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता जितना जवानों को मिलता है। सो जवान पूरे टाइम वहाँ पर रहते, पूरे टाइम वहाँ मेंटेन करने में लगे रहते हैं, और जब हम लोग जाकर देखते हैं हम लोगों को रियलाइज होता है कि सही में ये चीज़ें है डिफ़िकल्ट। हमारे लिए एक ये होता है, एक एक्सरसाइज कंडक्ट होती है जो कि जैसे हमारी यूनिट के वक्त होती है सितंबर में, तो उसमें क्या होता है कि इफ़ वॉर सिनेरियो हो गया तो क्या करना चाहिए, तो उसमें हर यूनिट अपना अपना काम करती है, तो उस टाइम पर कैसे हैंडल करना, ये सारी चीज़ें। तो If you are really excited, you are really wanting to join army, आपको सही में एक बहुत अलग life देखने मिलेगी। The people you work with are the people you party with, आपके पास और कोई नहीं है। When I was living there, कैंट के बाहर हम कहाँ जाकर किससे दोस्ती करते, कैंट के बाहर वैसे भी it was kind of CICT, counter insurgency, counter terrorist area, तो उस कारण से बाहर जाने पर भी कभी ना कभी restriction लग जाता था। So people you know are the people inside the cantonment, so they are the people you are working with, they are the people you get to party with। तो वो जो एक मोड रहता है कि आप ऑफिस में हो, आप ऑफिस में बहुत फॉर्मल रहते हो, आप वही जैसे ही वो पार्टी मोड हो जाता है
वो जो एक डिस्टेंस आता है जूनियर सीनियर का, जो एक डिस्टेंस आ जाता था वो फॉर्मलनेस का, वो ब्रेक करके आप पार्टी को एज अ फैमिली एंजॉय करते हो. एंड द यूनिट इन विच आई वॉज, दैट यूनिट मेड मी फील लाइक आई वॉज इन अ फैमिली ऑफ माई, मतलब दे यूज टू टेक केयर ऑफ ईच अदर, दे यूज टू टेक केयर ऑफ मी लाइक आई एम अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली. एंड वेन आई लेफ्ट दैट फैमिली, वेन आई केम हियर, आई वॉज फीलिंग सैड, आई वॉज फीलिंग सैड लाइक आई वॉज लीविंग माई फैमिली. आई वॉज कमिंग होम बट आई वॉज फीलिंग सैड कि ये सारी चीज़ें अब आई डोंट नो, पीपल विल गेट पोस्ट आउट बाय द टाइम आई विल गो बैक, पीपल विल नॉट बी देयर, एंड आई वॉज फीलिंग सैड. तो ये जो फीलिंग दी है उन्होंने, दैट आई एक्चुअली मेड अनदर फैमिली आउटसाइड माई ओन फैमिली, दैट वॉज अ टोटली न्यू एक्सपीरियंस, दैट वॉज अ टोटली न्यू, मतलब आप इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर तरफ से आपको स्ट्रॉन्ग बना देता है आर्मी. सो आई एम काइंड ऑफ ग्लैड दैट आई जॉइन दिस प्रोफेशन, और अभी तक तो नथिंग इज देयर टू रिग्रेट अबाउट, आई एम एंजॉइंग बींग देयर. आपने बताया कि जैसे चाइना बॉर्डर पे कुछ निशानी छोड़ते हैं ऐसा, हाँ हाँ, तो किस टाइप की निशानी है? मतलब एनीथिंग, जैसे हम देवे सिगरेट पैकेट्स ऑफ चाइना, अगर वो लोग छोड़ते दे लीव दे एम्प्टी सिगरेट पैकेट्स या कुछ ऐसा, तो उस पर प्रिंट रहता है चाइनीज़ लैंग्वेज में. हम भी हमारे यहाँ का कोई आइटम ऐसा छोड़ दें जिसमें इंडिया का हिंदी में कुछ लिखा हुआ हो, या मतलब जिससे ये दिखा देता है कि ये इंडिया का आइटम है. तो ऐसी कोई चीज़ छोड़ देना जो मतलब हमारा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं रहता, वो बस एक निशानी रहती है कि दिस थिंग बिलोंग्स टू अस, जो जैसे पैकेट हो गया, कोई भी चीज़, हाँ कोई भी चीज़, देयर इज़ नथिंग स्पेसिफिक एज सच, एनीथिंग दैट वुड शो दैट इट बिलोंग्स टू योर कंट्री. What were the changes that came into your personality from an ordinary girl to becoming a lieutenant? The main change was the confidence that I got after I joined army. When I was in civil world, I never ever have, I mean before coming here, if I had to give something, if I have to give a lecture or if I have to say something before the people, I had to prepare something, I used to prepare something. And nowadays I never ever come prepared. I'm like, ठीक है जो भी होगा देख लिया जाएगा, मुझे बस अपना एक्सपीरियंस ही तो सुनाना है. सो दैट थिंग, द कॉन्फिडेंस आई गॉट, दैट वॉज द मेन थिंग. एंड सेकेंडली फिजिकल स्ट्रेंथ, दैट्स ऑब्वियसली देयर. आई कैन डू पुशअप्स, आई कैन क्लाइंब अ रोप, वेन एवर वेर एवर पीपल टेल मी, आई कैन डू थिंग्स दैट आई नेवर वुड हैव बीन डन इफ आई वॉज अ सिविलियन गर्ल. और बोलते हैं कि लड़कियाँ बहुत इमोशनल होती है, तो वो इमोशंस को कैसे आपने आगे बढ़ाया, कंट्रोल किया? इट्स लाइक लड़कियाँ इमोशनल होती, नहीं इमोशन सब में होते हैं, लड़कियाँ दिखा दिया करती थी कुछ जगह पर, सो इट्स बीन हाइप्ड कि लड़कियों में लड़कियाँ बहुत इमोशनल होती है. बीइंग इमोशनल इज़ नॉट अ बैड थिंग, बीइंग इमोशनल इज़ गुड थिंग, इट मेक्स यू कनेक्ट अप टू द पीपल. बट आर्मी में यह है कि जैसे व्हेन यू गेट कनेक्टेड टू सम पर्सन, मोस्ट प्रोबेबली यू गेट टू सर्व विथ हिम फॉर अबाउट मैक्स टू मैक्स 2.5 ईयर्स. Then you have to go to different places. So when these things keep on happening, after every some amount of time, you the lot changes. The officers that you are with, the jawans you are with, everything is changing. You tend to get used to that feeling. कि ठीक है, if someone close to us is going, then someone new would come and would get close to us. So you get, I mean, you are habituated to this feeling, and. Moreover, emotions दिखाना, ये जो चीज़ थी ये academy में ही उन्होंने बंद करवा दी थी. You can't smile, you can't show your tears. आप हंसते हो तो आप रोजर होते हो, आप रोते हो तो आप रोजर होते हो. तो बस emotions को दिखाना नहीं है. So then there is no difference between a lady or a gentleman. Both the officers or both the cadets remain same. अकेडमी में और ट्रेनिंग के समय इंग्लिश में ही बात करते? यू टेंड टू स्पीक, मतलब इंग्लिश में तब बोलते थे आप जब आप सीनियर से बात करते थे, और जब आप अपने साथ वालों से बात करते हो आप हिंदी में, जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होते हो तब बात करते हो. जब आप साहब लोगों से बात करते हो, दे आर द JCOs या जवान्स, उनसे जब बात करते हो तो आप हिंदी में बात करते हो. मैम, SSB में रिकमेंड होने के लिए वो जो लोग वहाँ बैठे हैं वो क्या देखते हैं मेनली?
मेनली तो कॉन्फिडेंस सबसे पहले देखा जाता है, और उसके अलावा जो मुझे लगा है, जो मैंने देखा है, वो पूरे टाइम ये कंपेयर करते हैं कि जो एक तो पॉइंट्स होंगे ऑफिसर लाइक, जो भी क्वालिटीज़ उन्होंने डिसाइड की है, और आपने जो फॉर्म भरा है, जो आपने फॉर्म भरा है वही आपकी ट्रेट है कि नहीं, वो आपसे डायरेक्ट वही क्वेश्चन नहीं पूछते। जैसे अगर मैंने लिखा है कि आई टेंड टू शेयर एवरीथिंग विथ माई फ्रेंड्स, आई टेंड टू शेयर माई सीक्रेट्स, तो सो दे ट्रस्ट मी, ये मैंने लिखा है, तो वो वहाँ पर घुमा फिरा कर पूछेंगे कि आपके फ्रेंड्स को पता था कि आप SSB में आए हो, आपने बताया था कि आप इसके लिए तैयारी कर रहे हो, या आपके फ्रेंड्स ने आपको इसके बारे में नॉलेज दी थी, तो ऐसे घुमा फिरा कर वो क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि दिल कम टू नो कि आपने जो चीज़ें लिखी है, आपने जो चीज़ें साइकोलॉजिकल टेस्ट में दिखाई है, और आप एक्चुअल में जो हो, वो तीनों चीज़ें सेम हैं या नहीं, तो वो चीज़ें देखेंगे। बाकी आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपकी स्ट्रेंथ कैसी है, आप टीम स्पिरिट कैसी है, जो ऑफिसर वाली मेन क्वालिटीज़ रहती है ना, कि हाउ यू टेक योर ग्रुप विथ योर सेल्फ एंड लीड विथ एन एग्जाम्पल, ये सारी जो चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आप में हैं या नहीं, ये चीज़ें देखते हैं। मैम, आपका SSB फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हुआ था? हाँ, मेरा SSB फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर। SSB के लिए मैम कोचिंग लेना जरूरी है क्या? SSB के लिए कोचिंग लेना ज़रूरी है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो पूरा आपका खुद का चॉइस है। अगर आप चाहते हो कि आप गाइडेंस चाहते हो, तो आप बिल्कुल कोचिंग ज्वाइन करो। बस ये ध्यान रखो कि कोचिंग ज्वाइन करने से आप ये मत करो कि आपको खुद की पर्सनालिटी बदलनी है या आपको कुछ और बनना है। आप कोचिंग चाह रहे हो गाइडेंस लेने, सो वो गाइडेंस लो कि हाँ हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हम में अगर कोई चीज़ लैक हो रही है तो वो चीज़ हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो चीज़ कैरेक्टर में कैसे डाल सकते हैं। ये मत देखो कि हमें बस उस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उस टाइम पर क्या दिखाना है। हेल्प के लिए कोचिंग इज गुड, आई डिडंट टेक अ कोचिंग, बट आई वॉन्ट से कि कोचिंग लेना ज़रूरी है, नहीं, इट्स ऑल योर चॉइस। मैम, अगर हमें जैसे इंडियन नेवी में पायलट बनना है या फिर एयरफोर्स में, मतलब एयरफोर्स तो पायलट ही रहता है, एयर विंग में अगर इंडियन नेवी में पायलट बनना है, तो प्रोसीजर क्या होता है? एक्चुअली आई एम नॉट वेल अवेयर अबाउट दिस, बिकॉज मैंने इंडियन नेवी वगैरह का नहीं। आर्मी में, फिर आर्मी में तो पायलट्स होते हैं। आर्मी एविएशन में आप अगर जाते हो, आर्मी एविएशन इज अ डिफरेंट यूनिट, डिफरेंट आर्म, तो उस में जाते हो तो यू माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी, बट आई एम नॉट वेरी वेल वर्स विद दैट, बिकॉज मेरी खुद की यूनिट टोटली ऑन ग्राउंड बेस्ड है। एविएशन में आई हैव माय फ्रेंड्स, लेडीज़ तो पायलट्स बन नहीं सकती, बाकी जो जेंटलमैन ऑफिसर्स हैं उनका आई हैव नो आइडिया। यू मतलब ऐसा है कि आपकी ट्रेनिंग के बाद यू गेट टू ऑप्ट फॉर योर आर्म, उसमें अगर एविएशन मिलती है तो उसके बाद जो होता होगा। मतलब जो कोर्सेज होते हैं वो ट्रेनिंग के बाद लेते हैं हम लोग? हाँ, ट्रेनिंग के बाद, व्हेन यू डू द ट्रेनिंग नो वन कैन से इन विच आर्म यू विल गो। जिस भी आर्म में आप जाओगे वो डिपेंड करता है कि आप किस एंट्री से आए हो फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली आपका मेरिट क्या रहा है आपकी ट्रेनिंग के वक्त। स्टेज फियर खत्म करना है, उसके लिए कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करना है। क्या क्या? कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल के लिए मैंने आपको बताया ना, जब तक आप खुद जो हो वही दिखाओगे ना, आप जैसे आपके फ्रेंड्स से बात करते हो आप नर्वस नहीं फील करते, आप आपके पेरेंट्स से बात करते हो आप नर्वस नहीं फील करते। क्यों नर्वस नहीं फील करते? बिकॉज यू आर योर सेल्फ, जो आप हो, जो आपको लग रहा है मन में, वो चीज़ आप बोल देते हो, फ्रैंकली फ्रीली बोल देते हो। तो वही चीज़ अगर आप बोलोगे तो आप कहीं से कहीं तक आपको डर ही नहीं लगेगा। आप इंटरव्यू के सामने जाते हो ना, तो आप मेंटली ये प्रिपेयर करके जाते हो कि द पर्सन इन फ्रंट ऑफ अस विल जज मी। सबसे पहले मन से वो बात हटानी है कि दैट पर्सन विल जज मी, तो उससे क्या होगा? जज करने वाला तो जज करेगा ही। यू फील कंफर्टेबल इन बिटवीन योर फ्रेंड्स, बिटवीन योर फैमिली, बिकॉज यू नो दे वोंट जज यू। तो वो चीज़ मन से हटाओ, वॉट एवर दैट इंटरव्यू हैज टू थिंक ऑफ यू, ही विल थिंक ऑफ यू, यू स्पीक इट कॉन्फिडेंटली और नॉट। तो जाकर बस अपने आप को रखो सामने, वॉट यू आर, जस्ट प्रेजेंट इट योरसेल्फ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IMA एंड OTA? IMA एंड OTA का डिफरेंस ये है, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले ऑफिसर्स रहते हैं वो OTA में ट्रेनिंग होती है, IMA इज़ फॉर परमानेंट कमीशन। तो जो OTA में जनरली लेडी कैडेट्स तो रहती है, हमारे लेडी ऑफिसर्स के लिए अभी तक परमानेंट कमीशन वाली ट्रेनिंग कुछ नहीं है। सो वी आर बीन ट्रेन इन OTA,
जितने भी शॉर्ट सर्विस वाले सब ओटीए चेन्नई में ट्रेन होते हैं, जितने भी परमानेंट कमीशन वाले थे वो सब आईएमए में ट्रेन होते हैं। फिर उसके अलावा अलग अलग लेवल ऑफ एंट्रीज रहती है, आईएमए में भी बहुत तरह की एंट्रीज जाती है, ओटीए में भी अलग अलग आती है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जैग, इस तरह से अलग अलग एंट्रीज आती है। ट्रेनिंग सबकी सेम हो जाती है, एंट्रीज अलग रहेंगी, ट्रेनिंग सेम रहेगी। प्लीज़ मैम टेल मी अबाउट योर GTO टास्क एंड PPDT टेस्ट, हाउ यू फेस प्रॉब्लम इन SSB इंटरव्यू। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट जो था PPDT, तो बिफोर गोइंग मैंने एक बार आइडिया लिया था कि ये चीज़ होती क्या है। तो जब पिक्चर आपको दिखाते हैं, एज सून एज यू सी द पिक्चर, आपको आपके मन में अपने आप चीज़ें रिलेट होने लगती है। आप किसी आदमी को खड़ा देखते हो, कुछ सोचते हो, तो आप सोचने लगते हो कि हाँ ये ऐसा खड़ा क्यों है। आप देखते हो, आपने कोई ऑब्जेक्ट देखा, ये चीज़ यहाँ रखी क्यों है। इफ़ यू सी अ पर्सन सैड, यू टेंड टू मेक अ स्टोरी इन योर माइंड कि ये इंसान सैड क्यों हो सकता है। उसके आसपास के सराउंडिंग से आप रिलेट करते हो। तो व्हाट आई यूज़ टू डू कि जब भी ऐसे कोई सैड सा पिक्चर हुआ, तो आई यूज़ टू मेक एन आउटलाइन रिगार्डिंग दैट पर्सन, उसके आसपास के सराउंडिंग से कुछ हिंट्स लेकर कि मे बी दिस कुड हैव हैपन्ड, बिकॉज PPDT में नथिंग कैन बी रॉन्ग, है ना। तो यू जस्ट मेक अ स्टोरी, अ रफ आउटलाइन, अ रफ स्केच कि हाँ इस इंसान के साथ क्या हुआ हो सकता है। इफ़ दैट थिंग इज सैड, देन यू टेक इट टू अ पॉजिटिव साइड कि इस तरह का हुआ, सो ही डिसाइड्स टू डू समथिंग दैट मेक्स हिम हैप्पी, दैट मेक्स हिम ओवरकम द फियर, दैट मेक्स हिम ओवरकम द सैडनेस दैट ही इज गोइंग थ्रू। तो इस तरह से उसको हल्का सा ऑप्टिमिस्टिक टच दे देना, तो उससे क्या हो जाता है, स्टोरी बिकम्स इंटरेस्टिंग एंड द स्टोरी बिकम्स गुड टू, कि आप एटलीस्ट डिप्रेसिव मोड में नहीं जा रहे हो। यू कैन पिक अप अ स्टोरी फ्रॉम अ नेगेटिव टोन एंड ब्रिंग इट टू द पॉजिटिव वन। थैंक यू। मैम व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर SSB मैम, बिफोर SSB? बिफोर SSB एक्चुअली अगर मेरी वॉट कैन वी डू इन डे टू डे लाइफ टू इंक्रीज OLQs? OLQs वेन एवर यू आर विथ पीपल, वेन एवर यू आर गोइंग आउट, जस्ट टेंड टू, मतलब अपने आप को आइसोलेट मत करो। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर SSB, डोंट थिंक कि यार मैं पूरा टाइम अपने आप के इसमें ध्यान रखूँगा। इंटरैक्ट विथ पीपल, इंटरैक्ट विथ स्ट्रेंजर्स, नो अबाउट देम, टॉक टू देम, listen to their stories, you tend to pick up points, you tend to learn from other people much more than you will ever learn from yourself. So go out, sabse baat karo. If you see someone in help, generally hum log kya karte hain, hum dekhte hain ki ha kahin pe kisi ke haath se saman gir gaya, we tend to ignore that thing. Chote chote help karo, choti choti cheeze apne day to day habit mein lao. Aap jitna acche se khud ko waise rakhoge na, यू विल टेंड टू बिकम अ पर्सन यू वरंट। जो अच्छी चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें आप अगर लैक कर रहे हो, अगर आप आपका हेल्प या अगर आप इग्नोरेंट एटीट्यूड रखते हो, तो ये चीज़ें आपकी तभी ख़त्म होगी जब आप पब्लिक में जाओगे, जब आप दूसरे लोगों के बीच में जाकर ऐसी चीज़ें करोगे जो चीज़ें आप नहीं करते हो। आप हेल्प करो दूसरों की, विलिंगली हेल्प करो, खुशी खुशी हेल्प करो। इफ़ यू गो टू समवंस हाउस, इफ़ समवन इन्वाइट्स यू, तो उनके पास जाकर उन, इट्स नॉट लाइक यू आर गेस्ट। ये चीज़ें हमें मेरे 2IC ने सिखाई थी कि वेन एनी फैमिली इज इन्वाइटिंग यू, डोंट जस्ट गो देयर लाइक अ गेस्ट, दे आर ऑलरेडी पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो जाओ, उनको एज अ फैमिली ट्रीट करो, हेल्प देम आउट जितना हो सके। वो चीज़ें मन से निकाल दो कि आई एम अ बॉय, आई वॉन्ट डू दिस। अगर वो चीज़ें आपके मन में अभी भी है कि आई एम अ गाय, आई शुडंट गो इन द किचन, तो वो चीज़ें हटाओ, गो हेल्प पीपल, बी कॉन्फिडेंट, इंटरेक्ट विथ whoever you want to, सीधे approach करो, no one will judge you, and if anyone will judge you, he'll judge you even if you approach them or not. And what you have prepared? मेरी preparation तो as such ज़्यादा कुछ नहीं थी, because मेरा बचपन से कोई aim नहीं था कि मुझे army ही join करनी है। I was in NCC, I never thought of joining army. I was about to complete my graduation, I wasn't in the process of even कि SSB के बारे में जान लूँ। वो डैड ने सजेस्ट कर दिया कि एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद है, सो जस्ट यू कैन अप्लाई फॉर इट। आई अप्लाइड,
और आई फॉरगॉट दैट आई अप्लाइड. जब आया था मुझे कॉल लेटर, सो आई डिलीटेड दैट मेल थिंकिंग दैट इट वॉज सम एड. और सेम चीज़ जब मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आया तो आई रियलाइज दैट आई डिलीटेड द कॉल लेटर ऑफ द SSB इंटरव्यू. तो मैंने जाकर उसको ट्रैश से रिकवर किया, गॉट द प्रिंट आउट. और SSB के एक हफ्ते पहले मुझे याद आया कि शिट, एक हफ्ते बाद तो SSB और मुझे पता ही नहीं SSB में होता क्या है. दैट्स व्हेन आई परचेज अ बुक, आई वेंट थ्रू द प्रोसीजर. और उस एक हफ्ते में मैंने जो भी कुछ तैयारी, मतलब मैंने सिर्फ प्रोसीजर के थ्रू मैंने देखा कि क्या होता है. उस एक हफ्ते में आई डेंट गेट टाइम कि मैं कोई कोचिंग ज्वाइन कर लूँ. उस एक हफ्ते में आई डेंट गेट टाइम कि मैं कुछ अपने में इम्प्रूव करना चाहती हूँ, नहीं करना चाहती. सो आई वेंट देयर एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट बिकॉज आई न्यू दैट मैंने कोई तैयारी नहीं की, आई जस्ट हैव टू बी माई सेल्फ. तो वो जो मेन चीज़ थी, मुझे वो लगता है कि वो चीज़ अगर हो ना आप में, नथिंग कैन डिफीट यू, जस्ट बी योर सेल्फ, कॉन्फिडेंट रह जाकर. मैंने अपना इंटरव्यू दिया था एंड आई गॉट थ्रू ऑल ऑफ इट. एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन इन SSB? स्पेसिफिक क्वेश्चन मतलब व्हेन यू फिल दैट फॉर्म ना, शुरुआत वाला जो फर्स्ट फॉर्म होता है, सो उस फॉर्म में यू राइट योर हॉबीज, यू राइट थिंग्स रिलेटेड टू योर लाइफ. तो वो जब आप लिखते हो ना, आप हमेशा ध्यान रखो कि उससे आप कई वो चीज़ों में वो एकदम इंटरव्यूअर डीप जाएगा. लाइक आई रोट आई लाइक एडवेंचर स्पोर्ट्स, तो वो एडवेंचर स्पोर्ट्स में क्या किया है, वहाँ से शुरू किया. सो आई टोल्ड देम दैट आई डिड बंजी जंपिंग वगैरह. उधर से वो पहुँच गए कि बंजी जंपिंग कहाँ की थी, हाउ मेनी कंट्रीज़ यू हैव विजिटेड. और वो कंट्रीज़ का जैसे ही पॉइंट आया, ही डिडंट स्टॉप देयर, ही स्टार्टेड आस्किंग मी अबाउट द मॉन्यूमेंट्स आई हैव सीन, द एड्रेस ऑफ व्हाइट हाउस. तो ऐसी ऐसी चीज़ों पे वो पहुँच जाते. सो व्हेनेवर यू आर एक्चुअली राइटिंग दैट फॉर्म, बी वेरी केयरफुल कि कोई ऐसी चीज़ मत लिख दो जिसके बारे में आपको पूरा नॉलेज नहीं हो. वॉट एवर यू आर राइटिंग, इफ समथिंग इज योर हॉबी देन ओनली राइट इट, डोंट राइट इट फॉर द सेक इट वुड लुक गुड ऑन माई रेज्यूमे. राइट वॉट यू एक्चुअली हैव. थैंक यू. And tell me about some lessons you got from your unit. From my unit? Army lessons, so that we could relate with that. Okay. The first lesson, as I told you, ki junior senior wala jo relation rehta hai, it's a very matlab aisa relation ki you have to keep it. A senior has the freedom to behave with you as much friendly as he wants to. But at the same time, the junior must be aware ki if he is being friendly, doesn't mean that he can cross his limits. First lesson mere liye to wo tha. Second tha ki punctuality har jagah matter karti hai, and you shouldn't be afraid of your seniors. The seniors will roger you, the seniors will scold you if you do anything wrong, but they are the person you have to approach, because they will be the right people who will guide you what you have to do. If a person has asked you to report to him weekly or daily, go to him, open up to him, because he has asked you to do so for your own good, not for his. To jao, milo, interact karo, unse baat karo. If you feel comfortable, then share what is going on in your personal life. If not, keep your personal life to yourself. सेकेंडली हाँ, एक और चीज़ मैंने जो ये वहाँ लर्न करी है, यू शुड ऑलवेज कीप योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ सेपरेट. दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, टू पोल्स अपार्ट. आपके पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, अ जवान शुडंट बी अवेयर एवर. वॉट एवर इज हैपनिंग, इट्स योर लाइफ, यू विल डील विथ इट. इट हैज़ नथिंग टू डू विथ जवान्स. तो आप जो कुछ भी हो, पर्सनल फ्रंट पे और प्रोफेशनल फ्रंट पे, टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हो, वो हमेशा ध्यान रखना. उसके अलावा तो क्या है कि आप जो भी कर रहे हो, गिव योर बेस्ट, वर्क हार्ड एंड जस्ट एंजॉय. वो चीज़ याद रखना, एवरीथिंग शुड लीड टू योर हैप्पीनेस. थैंक यू मैम. थैंक यू ऐश्वर्या, बहुत अच्छा आपने बताया. और देखो, आपने जो ये सुना ना, इसमें कुछ की वर्ड आपको अगर समझ में आए होंगे, वो ये कि सेल्फ आपको डेवलप करना पड़ेगा, और वो कल से नहीं होगा, वो हर दिन होगा. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी SSB क्लियर होता है, और किसी का 10 अटेम्प्ट में भी नहीं होता है, क्योंकि आप बदलने को तैयार नहीं होते अपने आप को. छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको हर दिन डेवलप करना चाहिए.
हर एक की हेल्प करना चाहिए। अगर टेस्ट चल रहा है दूसरा डिस्टर्ब कर रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको भी मना करो और आप भी सीरियसली टेस्ट दो, ना कि उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। तो अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दोगे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। आपके सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। थैंक यू। थैंक यू सर।